गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रितु श्रीवास्तव, आई टीच यू कंप्यूटर सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टू कंप्लीटेड आवर चैप्टर सेकंड। टुडे नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड इज मोर ऑन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड? What is MS Word? MS Word is a word processor software. It is used to type text in Word. MS Word का use, MS Word एक word processor software होता है जिसका use हम text को type करने के लिए, letter को type करने के लिए, border and shading create करने के लिए, format banner का use करने के लिए, find and replacing text के लिए एंड टेबल क्रिएट करने के लिए भी करते हैं। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर लाइक एज ब्रश टूल, देखने में ये ब्रश टूल की तरह लगता है। फॉर्मेट पेंटर इज ए वेरी यूजफुल टूल। दिस आइकन इज फाउंड इन द कीबोर्ड ग्रुप। फॉर्मेट पेंटर जो है एक बहुत ही यूजफुल टूल है, ऑप्शन है इसका, जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? क्लिपबोर्ड ग्रुप में पाया जाता है। दिस टूल इज यूज्ड टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ वन टेक्स्ट टू द अदर। इस टूल का यूज हम किसी भी टेक्स्ट और फॉर्मेट को कॉपी, टेक्स्ट को कॉपी करके और फॉर्मेट को कॉपी करके अदर में यूज कर सकते हैं। टू यूज फॉर्मेट पेंटर फॉलो द गिवन स्टेप्स। फॉर्मेट पेंटर का यूज करने के लिए हमें निम्न स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। स्टेप फर्स्ट, प्लेस द कर्सर ऑन द टेक्स्ट हूज फॉर्मेट यू वांट टू चॉइस। जिस हम टेक्स्ट को चूज करना चाहते हैं, हम वहां पर कर्सर को रखती हैं। सपोज लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक के टेक्स्ट को यदि कॉपी करना है, तो हम इस टेक्स्ट पे कर्सर ले आकर के माउस पॉइंटर की हेल्प से इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम उसे ड्रैग करते हैं, किससे? ड्रैग दिस ब्रश ऑन द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड एंड देन रिलीज द माउस बटन। इस तरह से हम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, you know that in previous class already read and understand in MS Word। इसकी पहली क्लास में भी आपने MS Word को पढ़ा समझा है। तो ये MS Word की स्क्रीन है। Here is MS Word screen। इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। ये मेनू बार है। इसके नीचे फॉर्मेट बार होते हैं। इसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको दिखाया गया है कि प्लेस द कर्सर हियर। यहाँ पे कर्सर एक ब्लिंक करता है, जैसे ही वर्क एरिया यहाँ पे आती है, वर्क एरिया पर एक ब्लैक कलर की कर्सर ब्लिंक करती है, जिसे हम कर्सर बोलते हैं। एक ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल, ब्लैक कलर की इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले होती है, जिसे हम बोलते हैं कर्सर। यहाँ ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। और स्टेप टू में क्लिक फॉर्मेट पैनल, हम ये देखिए फॉर्मेट पैनल दिख रहा है, इसे फॉर्मेट पैनल पे क्लिक करते हैं। इसके बाद इसे हम इस तरह से ड्रैग करके, माउस की हेल्प से हम ड्रैग करके इसे टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉपी किया हुआ आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। ड्रैग द ब्रश ऑन द टेक्स्ट बी फॉर्मेटेड, यहाँ हम इसे कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट, जिस प्लेस पे मुझे यूज करना होता है, उस जगह पर जाकर के, उस प्लेस पे जाकर के हम फिर से उसे क्लिक कर देते हैं और मेरे वही टेक्स्ट हो जाते हैं। सपोज यू हैव टाइप्ड सम टेक्स्ट इन बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन यूजिंग मोनो टाइप कर दीजिएगा, ठीक है? सपोज यू हैव टाइप सम टेक्स्ट इन बोल्ड, जितने भी यहाँ पे कुछ ये है और ये मेरे यहाँ पर बोल्ड टाइप है और टेक्स्ट फॉर्मेट का नंबर साइज है, फॉन्ट का साइज है 14। इफ सम अदर टेक्स्ट मीट्स द सेम फॉर्मेट, मुझे सेम यही फॉर्मेट दूसरी जगह भी
होनी चाहिए. यू कैन यूज द फॉर्मेट प्रिंटर एंड कॉपी द फॉर्मेट ऑन द न्यू कैप्शन विदाउट हैविंग टू अप्लाई ऑल द फॉर्मेट सेपरेटली. हम किसी और फॉर्मेट को नहीं वहाँ पे यूज करेंगे. हम फॉर्मेट पैटर्न का यूज करके इसे कॉपी कर लेते हैं और सेम वही फॉन्ट वहाँ पर हम यूज करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आई थिंक वी विल नो अबाउट इन दिस टॉपिक एंड अंडरस्टैंड यू. डियर स्टूडेंट्स, आप लेसन थर्ड को अच्छे से रीड करिए एंड अंडरस्टैंड कीजिए. थैंक यू.